भारतीय पंजाब से, जिसके वज़ीर-ए-आला प्रकाश सिंह बादल पर जूता उछाल दिया गया। भारतीय खबर एजेंसी के मुताबिक जूता लगने से प्रकाश सिंह बादल के हाथ में पकड़ा ग्लास टूट गया। प्रकाश सिंह बादल पर जूता उनके अपने हल्का इंतखाब में उछाला गया। सिक्योरिटी अहलकारों ने वज़ीर-ए-आला पर जूता उछालने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त सीनियर भारतीय सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल मोंगा साहब। बहुत शुक्रिया विशाल साहब, आपका ये वाकया किस तरह से पेश आया कुछ हमें बताइएगा। विशाल मोंगा सीनियर भारतीय सहाफी, उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आला प्रकाश सिंह बादल लांबी में इंतखाबी मीटिंग से खिताब कर रहे थे कि ऐसे में उन पर जूता उछाला गया और जिसकी वजह से उनके हाथ में पकड़ा गया ग्लास टूट गया। आपको ये भी बताता चलें कि ये वज़ीर-ए-आला हैं भारतीय पंजाब के, और इस हवाले से ये भी आपको बताते चलें कि सिख कम्युनिटी में उनकी पसीराई काफी कम है। खालसा तहरीक की मुखालिफत की वजह से सिख कम्युनिटी में उनकी पसीराई काफी कम है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। एक दफा फिर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर भारतीय सहाफी विशाल मोंगा साहब। विशाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस तमाम तर वाक्य की तफसीलात जानना चाहेंगे। देखिए, 24 दिनों बाद पंजाब में इलेक्शंस होने हैं और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जगह जगह कैंपेन कर रही हैं। प्रकाश सिंह बादल आज अपने जो होम टाउन लांबी है वहां पर एक संगत दर्शन कर रहे थे, और क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है काफी ज्यादा है श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ, इसलिए वहां पर एक शख्स ने जूता फेंका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ, जो कि उनके हाथ पर लगा और उनके हाथ में जो गिलास पकड़ा हुआ था वो टूट गया है। इसको लेकर जो अकाली दल है उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी उकसा रही है अपने वर्कर्स को कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अटैक किया जाए। कुछ दिन पहले ही जलालाबाद जो कि पंजाब में है, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सुखबीर बादल की, वहां पर भी उनके कॉन्वॉय पे अटैक किया गया था। तो ये जो पोलिटिकल पार्टीज है वो ये कह रही है कि इनके खिलाफ गुस्सा है जिसकी वजह से ये अटैक हो रहे हैं, जबकि श्रोमणी अकाली दल ये कह रहा है कि जानबूझकर लोगों को उकसाया जा रहा है उनके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया विशाल मोंगा। भारतीय सहाफी हमें बता रहे थे कि भारतीय सियासत वजह बनी है इस जूता उछाले जाने की।